इस महान ऋषि परंपरा के साथ इस रूप में आबद्ध हैं कि प्रत्येक भारतवासी अपने आप में भाई भाई के संबंध को ऋषि परंपरा के साथ जोड़ करके देखता है। और फिर मैनपुरी उसी महान ऋषि परंपरा में मयन ऋषि की इस परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ता है। भाइयों बहनों, जब मैं मैनपुरी में आता हूं तो मुझे महाराजा तेज सिंह के किले की याद भी आती है, जिन्होंने अपने कालखंड में इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। और इसीलिए आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैनपुरी की इस महान जनता से संवाद करने के लिए आज यहां पर आया हूं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने यहां पर आज इतना उत्साह दिखाया है। तृतीय चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन है, सायंकाल 6 बजे प्रचार कार्य बंद होगा, लेकिन भाइयों बहनों, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चारों के चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कैसे नहीं, क्योंकि भाइयों बहनों, आपका जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है, याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2014 के पहले पूरे भारत की क्या दुर्गति कर दी थी कांग्रेस के नेताओं ने, सपा बसपा ने मिल करके। भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश देश को नेतृत्व देता था, जो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों के लिए हृदय स्पर्श था, पिछली सपा बसपा सपा की सरकारों ने उस उत्तर प्रदेश की बहुत दुर्गति कर दी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। 2017 के पहले यही चलता था, अराजकता चरम पर थी, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, दंगा के बाद कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू, न बेटी सुरक्षित थी, न महिलाएं सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और भाइयों बहनों, उस असुरक्षा के माहौल में उत्तर प्रदेश में प्लान होता था। आज जब 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और अपना आशीर्वाद देने के बाद 5 साल के बाद जब फिर से हम चुनाव में आए हैं, तो आज मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने भी आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल में आपकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, दंगाई अगर कहीं दंगा करता है तो उसके पोस्टर अगले दिन चौराहे पर लग जाते हैं कि ये घोषित दंगाई है। और तीसरे दिन उसके घर में नोटिस पहुंच जाती है कि इसने इतनी संपत्ति का नुकसान किया है, इस संपत्ति की अब भरपाई भी कर ले। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं होगा, भाइयों बहनों,
दिनों व्यवस्था को आप अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकते और बिना भेदभाव के इन पेशेवर दंगाइयों और अपराधियों को, इन बमबाजों को जो बम चला करके राजनों को राज नहीं करवाते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे, व्यापारियों की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे, उनके लिए सरकार का बहुत स्पष्ट संदेश था कि अपराध करोगे तो उसकी भुगतान भी करोगे। और भाइयों बहनों, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है और कांवड़ यात्रा में हर हर बम बम के नारे लगते हैं। ये है नया उत्तर प्रदेश, यही है नया उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने भाइयों बहनों जो कहा सो करके दिखाया। ये बड़े बड़े पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, गरीबों का, व्यापारियों का, बहन बेटियों का जीना हराम कर देते थे, आज आप देख रहे होंगे ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आज आप देखते होंगे इनको गिड़गिड़ाते हुए। और मैं फिर आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, मैं तो आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। एक बात बताऊं मैं, और अब बात है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी इस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद, मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी भैया बोला आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। विकास, उत्तर प्रदेश का विकास एक ऐसे उत्तर प्रदेश के निर्माण की ओर उत्तर प्रदेश को लेकर के जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कहीं भटकना ना पड़े, याद करिए ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी लगती थी और उत्तर प्रदेश की हर नौकरी विवादित हो जाती थी, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के दिए हैं, बिना चेहरा देखे हुए देख दिए हैं, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी पाएगा। भाइयों बहनों, सुरक्षा का अच्छा वातावरण का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में निवेश होता है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने का परिणाम भी आज हम सबके सामने है। आज भव्य कुंभ दिव्य कुंभ होता है, आज अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है, आज बरसाना और वृंदावन में रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। और यही नहीं, हमने पिछली बार कहा था ना कि अयोध्या में राम मंदिर हम ही बनाएंगे। भाइयों बहनों, याद करिए 5 अगस्त 2020 कोरोना काल खंड भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग अवरुद्ध नहीं कर पाया। अयोध्या